हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खान ट्यूटोरियल। तो आज मैं कल आपके लिए बहुत ही इजी एंड खूबसूरत फ्रॉक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि फ्रिल्स वाली मैंने फ्रॉक बनाई है। और इसका स्लीव डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइज। ये मैंने इलास्टिक से बनाया है और इसमें मैंने डबल इलास्टिक लगाई है। और इसका जो डिज़ाइन है बलून में है इसका डिज़ाइन, तो ये बलून वाला रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो आप 102 साल के बच्चे के लिए आप इसे बना सकते हैं। और ये जो मैंने मेज़रमेंट इसमें बताया है ये 1-2 साल के बच्चे के लिए है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। और साथ ही साथ मैंने इसको पीछे से ओपन रखा है और इसमें मैंने बटन और काज बनाए हैं पीछे से। हाँ, तो मैंने दिखाया नहीं है आपको, इसमें बैक डिज़ाइन मैंने वो बनाया है और मैंने इसमें लाइनिंग भी अटैच की है ताकि फिनिशिंग आ सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं तकरीबन 1 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक ले रही हूँ, थोड़ी सी मोटी जॉर्जेट है, और 1 मीटर में लाइनिंग ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसके 10 इंच की लंबाई रखी है नीचे के स्कर्ट की, मार्जिन के साथ मैंने 10 इंच का लिया है ये। तो यहाँ मैं एक बड़ी बड़ी सिलाई लगा लूँगी बड़े बखिए के साथ। और ये लाइनिंग है तो लाइनिंग की लंबाई मैंने 9 इंच ली है, इसमें भी मैं सिलाई लगा लूँगी वैसे ही। यहाँ ऊपर बड़ी बड़ी सिलाई लगा लूँगी बड़ी टाँकी की। तो यहाँ मैंने जॉइंट में सिलाई लगा ली है। उसके बाद ये 2 धागे होते हैं सिलाई के, तो इसमें से मैं एक धागा खींच लूँगी ताकि छोटी छोटी फ्रिल्स बन सकें। ये मैं स्कर्ट बना रही हूँ, तो स्कर्ट के लिए मैं फ्रिल्स बना रही हूँ। अब ऐसे ही मैं छोटी छोटी ये फ्रिल्स आती जाएंगी, तो मैं इसको एक स्कर्ट का शेप दे दूँगी। और ये मैंने फ्रिल्स डाल ली हैं, जितनी भी वो वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने फ्रिल्स डाली हैं। तो ये हम साइड में मैं इसको अटैच कर लूँगी सिलाई लगा कर। और ये इसकी लाइनिंग है, सेम लाइनिंग भी मुझे ऐसे ही करना है। इसमें से मैं एक धागा खींच लूँगी और छोटी छोटी फ्रिल्स बना लूँगी। तो इसको भी मैंने सेम ऐसा ही उतने ही मैंने इंचेस का इसको भी रखा है जितनी हमारी वेस्ट है। और यहाँ साइड में मैं सिलाई लगा लूँगी इसमें भी। और देखिए मेरी जॉर्जेट का तो स्कर्ट रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं लाइनिंग भी अटैच कर लूँगी, तो इसके अंदर मैं ऐसे डालते हुए इसकी दोनों की कमर जॉइंट कर लूँगी और यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी। लाइनिंग का और जॉइंट का दोनों ही कपड़े की किनारे फोल्ड कर रही हूँ नीचे की। तो अब स्कर्ट तो हमारा रेडी हो गया है, अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। अब यहाँ मैंने एक और फैब्रिक का पीस लिया है, जो लाइनिंग है वो मैंने ली है, लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है मैंने। तो यहाँ मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ, मतलब 4 इंच मार्क नहीं कर रही हूँ, जो मैं 4 इंच का शोल्डर रखती हूँ तो उससे मैंने ये 1/2 इंच मैंने कम लिया है, 3.5 इंच पर मार्क किया है मैंने। उसके बाद यहाँ मैंने आर्म होली 5 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद यहाँ मैंने राउंड शेप दे दिया है, जो हम नॉर्मली टॉप की कटिंग करते हैं वैसे ही कर रही हूँ। और 6 इंच की मैंने ये चौड़ाई ली है टॉप की और ये 1/2 इंच का मैं ढाल दे रही हूँ। अब यहाँ से मैं 2 इंच पर मार्क करते हुए ऊपर से इसको मैं कट कर लूँगी। तो जो भी मैंने मार्किंग की है सभी पे मैं कटिंग कर लूँगी। अभी टोटल टॉप की लेंथ 6 इंच की बची है। अभी बैक पार्ट की मुझे कटिंग करनी है, ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। तब यहाँ 1.25 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बैक से ये ओपन रखना है। मैं काज और बटन बनाऊँगी उसमें, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। और ये 1.25 इंच पर मार्क करके मैं वहीं से कपड़ा रख रही हूँ और इतनी ही मैं कटिंग करूँगी। अब ये इसी के जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सेम, बस मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा। अब ये बंद है तो इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी। तो अभी मेरा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट दोनों हो गए हैं। अब मैं इसकी सेम कटिंग जॉर्जेट पर भी कर लूँगी और ये मैंने कर ली है। और उसके बाद मैं इस पर लाइनिंग रख कर सिलाई लगाऊंगी। तो मैं शोल्डर पे सिलाई लगा रही हूँ और ऊपर की साइड सिलाई लगा रही हूँ। अब सेम मुझे बैक पार्ट में भी ऐसे ही करना है लाइनिंग रखने के बाद में। अब यहाँ जो मैंने ओपन रखा है पार्ट वहाँ भी मैं सिलाई लगाऊंगी, वहीं शोल्डर पर भी सिलाई लगाऊंगी, ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी।
अब मेरा फ्रंट पार्ट पे सिलाई लग चुकी है। अब ये जो कॉर्नर होते हैं मैं इसके कॉर्नर कट कर रही हूँ, और ये आर्म होल है यहाँ भी मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको पलट लूँगी। तो जितना भी आपका शोल्डर होता है उससे आप हाफ इंच कम ही रखें शोल्डर, और यहाँ जो ओपन है उसको मैं सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद ही मैंने बैक पार्ट ले लिया है, तो बैक पार्ट में मैंने सेम ऐसी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ इसके भी मैं कॉर्नर कट कर लूँगी। कॉर्नर कट करने के बाद में जो आर्म होल है आर्म होल पर भी मैं कट्स लगा रही हूँ। उसके बाद इसको भी मैंने पलट लिया है। अब यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी। और ये गाइस मैंने इसके कपड़े को प्रेस भी कर ली थी, तो आप साथ ही साथ प्रेस करते हुए चलें तो अच्छा लगता है, थोड़ी फिनिशिंग ज़्यादा आती है। उसके बाद मैंने फ्रंट पर बैक पार्ट रख लिया है, और यहाँ मैं साइड में फिटिंग लगा लूँगी दोनों साइड। अब फिटिंग लगाने के बाद अब यहाँ मैंने स्लीव्स के लिए मैं कपड़ा ले रही हूँ, तो मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग गाइस बहुत ज़्यादा इजी है, आपको देखने में लग रहा होगा, तो जैसे बस मैं मेजरमेंट बताती जा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप बनाते जाएँ तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। और यहाँ मैं 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ, मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं इस कपड़े के, वो तो आपने देखा ही होगा। और यहाँ मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ, तो स्लीव्स लेंथ में 6 इंच की ले रही हूँ और चौड़ाई में 9 इंच की ले रही हूँ, क्योंकि स्लीव्स में फ्रिल्स बन जाएंगी तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लेनी होंगी। और यहाँ मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैं 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ थोड़ा टेढ़ा शेप देते हुए, तो जितना हमारा टॉप का आर्म होल है उतना ही मैं इसको रखूँगी। ये थोड़ा मैंने आर्म होल का ये थोड़ा टेढ़ा शेप दिया है, उतना ही देंगे जितना हमारा आर्म होल है। अब इसी को मैं कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद अभी जॉइंट है उसको भी मैं कट कर लूँगी बीच में से। अब ये मैंने लाइनिंग कट करी है, अब इसके बाद मैंने जॉइंट भी कट कर ली है। अब इसके ऊपर मैं लाइनिंग रख ली है, और अब मैं यहाँ ये ऊपर की साइड सिलाई लगाऊंगी और नीचे की साइड भी लगाऊंगी। तो यहाँ मैं ऊपर की साइड लगा रही हूँ, नीचे की साइड भी, और दोनों में मुझे ऐसा ही करना है सेम। तो सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। स्लीव्स मेरी ये फोल्ड हो गई है, अब दूसरी भी मैंने फोल्ड कर ली है। उसके बाद यहाँ मैं 1/2 इंच का गैप देते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ मुझे इलास्टिक डालनी है उसके अंदर। सिर्फ ऊपर की साइड मैंने 1/2 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगाई है, नीचे के साइड मैंने सिलाई नहीं लगाई है। तो यहाँ मैंने 4.5 इंच की इलास्टिक ली है, आप चाहें तो कम ज़्यादा ले सकते हैं बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ मैं सेफ्टी पिन का यूज़ करके इसके अंदर जो मैंने ये 1/2 इंच का गैप छोड़ा है उसी में मैं इलास्टिक डालूंगी। इस इलास्टिक की चौड़ाई 1/2 इंच से कम है, तकरीबन 0.25 इंचेस होगी। तो इसी के अंदर मैं इलास्टिक डालती जा रही हूँ। ये इलास्टिक छोटी है और टॉप की और स्लीव्स की चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसलिए फ्रिल्स इसमें ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएंगी। अब यहाँ मैं कपड़े से इसको अटैच कर दूँगी इलास्टिक को, ताकि इलास्टिक निकले नहीं दोनों साइड। और यहाँ साथ में स्लीव्स में भी सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों में मैंने ऐसे ही किया है, और आपको दिख रहा होगा कि ऊपर इलास्टिक लग चुकी है, और अब मैं नीचे ले रही हूँ। यहाँ मैं इसको ऐसे ऊपर से ही लगाऊँगी इलास्टिक, ऐसे ही सिलती जाऊँगी इसको। इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, आप इजीली लगा सकते हैं। और देखिए मैंने ये नीचे भी लगा लिया, इसके बाद में यहाँ मैं फिटिंग लगा लूँगी स्लीव्स में। अब ये फिटिंग लगाने के बाद अब मैं इसको टॉप में अटैच करूँगी। फिर तो मैं जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए इसको ऐसे ऊपर के सिल दूँगी, और जो ऊपर इलास्टिक वाला पार्ट है वो मैं टॉप के ऊपर ही अटैच करूँगी, आर्म होल में अटैच नहीं करूँगी। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि मैं कैसे सिल रही हूँ। या मैं जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए जो इलास्टिक वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड अटैच करूँगी, जॉइंट आर्म होल में अटैच नहीं करूँगी। तो ये थोड़ा इलास्टिक वाला पार्ट थोड़ा ऊपर आ गया है, तभी ये शोल्डर पर आएगा अच्छे से इलास्टिक।
देखिए बैग में मैंने बटन भी लगा लिए हैं। अब मैं स्कर्ट में इसे अटैच कर लूँगी, स्कर्ट और टॉप को अटैच कर लूँगी। और देखिए मेरी ये ड्रेस रेडी हो चुकी है। और देखा गाइस कितना ज़्यादा इजी था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक यू।